लगा पूरी ताकत तेरी छुट्टी तो आधा रंग गिरा के मारो बोले कितने साल से परेशान कर रहा बच्ची को कितने साल से जाओ उसके चेहरे में उसकी आग लगा दो पूरी उसकी आंखों में भी आग लगा दो चला बोल कितने साल से परेशान कर रहा बच्ची को कितने साल से हाँ मार दो बोले उसको कब मारो बोले अम्मास में पूनम में अभी की अम्मास में कब है अम्मास कब मारो बोले कैसा मारो बोले जल्दी बोले पूरा जला दूंगा हाँ कैसा मारो बोले उसको क्या पूछा मैं जवाब इधर लगा उसके नाक और चलाओ उसके अंदर जकड़ लो उसकी आग लगाओ तेज से चकड़ो उसको भी जलाओ इसके भी अंदर पूरी आग लगाओ तेज से चकड़ो उसको भी जकड़ कर उसको भी तेज से पीठ पे हाँ चल रे बोल टाइम मिला खिलाए थे टाइम मिला खिलाए हाँ टाइम मिला खिलाए थे कैसा जादू करे क्या लेकर जादू चलाते डन पे कपड़ा बाल मट्टी क्या लिए थे हाँ क्या क्या बोल बचने वाला नहीं पूरा मार दूंगा अभी तो तू तो बाहर से बोलूंगा जंजीर डाल के मारने वालों को जल्दी बोल पास हाँ हाँ बच्ची को तड़पा के मारो बोले हाँ हाँ जबान से बोल काटूंगा तेरी जबान जुलूम दे रहा लोगों को सब हटके हाँ क्या बोले उसको बच्ची को तड़पा तड़पा के मारो बीमारी हो बता लो बोले कौन सी बीमारी बता ला था कौन सी बीमारी बता ला हाँ जल दे हाँ क्या कर रहा था तू उसको और कहाँ से लाए थे शमशान से कब्रस्तान से कहाँ से पकड़ के लाए कहाँ से लाए थे हाँ जकड़ लो उसको जरा तेज जकड़ो उसको कौन से बीमारी बताला था पानी पिला रहे उसको दम करा के उसके पेट में से आग लगा जकड़ के तेज से वो गिलास में है उसमें उसको पिला ले जलाओ उसके पेट में से आग लगा दो तेज से जकड़ लो उसके पेट में तेजी जकड़ो देखा ना कैसी ताकत है यहाँ तो वैसा मारने लगाऊंगा पूरा जेर कर दूंगा काट के चल बोल जोर से और जोर से लगा पहले पूरी ताकत लगा जोर से पूरी ताकत लगा कहीं भी मिला खिलाए उसको बच्ची को कौन करा जादू उसके ससुराल के उसके माँ की तरफ की जादू करने वाले हाँ और जोर से लगा कितनी भीतरी पूरी ताकत मार दे रहा उसको कमीने को अंदर से जोर से लगा कितनी पूरी ताकत जकड़ो उसको तेज से कैसी बॉटल लेके और एक पानी की बना दुकान पे से मतलब स्प्रे वो लगा के लेके आओ दुकान पे से वो रख दो यहाँ चल हाँ लगा पूरी ताकत हाँ और जोर से और जोर से कौन उसको बीमारियां डाला इतने ये हाँ क्यों डाल रहे थे इतने बीमारियां क्या वो कुछ भी दवा गोलियां खाने के बाद फर्क नहीं हो रहा था उसको कौन कराई जादू टोना बाला क्यों झड़ रहे थे उसके इतने
सब मालूम है मेरे को, नारा रख तेरी जबान ही बता, काटूंगा तेरी जबान जल्दी। थका पूरी ताकत और जोर से चल। तो जिसने भेजा उसका नाम याद है? इसके आंग में कौन भेजा उसका नाम याद है क्या? है या नहीं है? नहीं है। अच्छा चलते को एक मौका, मेरे को दूसरी चक्कर में सारी दास्तान सुनाना, कि सब याद करके आगे सुनाना। उसके अंदर कौन डाला था, कहाँ से डाले थे, किसने जादू चलाया, कितने लोग मिले आते, कहीं में मिला के खिलाए थे, कब मारने आए थे उसको, कौन कौन से बीमारियां लगाए थे, कौन से बीमारी मारने आए थे, सब याद करके आगे सुनाना। दूसरी चक्कर का एक मौका दे रहा हूँ, देखो बाद में बोलना नहीं कि मैंने मौका नहीं दिया था, मैंने जुलूम करके देखो भसम करा, ऐसा बोलना नहीं। देखो मौका दे दिए हमने, बस दूसरे चक्कर तक मुझे सारी दास्तान सुना देना उसकी, क्या है, कब मारने वाले थे, अम्मास में क्या पूनम में, किसने कौन जादूगर था, कितने बज लिया था, सारी दास्तान सुना देना। और उसके घर में कितने लोगों को मारने वाले, कितने को मारे, सब सुनाना पूरी। जादू करने वाले लोग किधर के थे, उसके ससुराल के, मायके के, सब सुनाना नारा। चल एक मौका दे रहा हूँ तेरे, पहले और उसको पानी, पहले हाजिर हुआ बच्ची के आंग में कभी? हाँ, घर पे होते थे। क्या बोल रहा था, सवाल जवाब कुछ नहीं, ऐसे रोते थे, ऐसे रो रही थी बस, चिल्ला रही थी। सब याद करके आना, आप दूसरी चक्कर में नहीं सुनूंगा मैं, सब नाम आना मेरे दूसरे चक्कर में। कैसे आ रही है उल्टी, बहुत बात कर रहे थे तुम, अभी बैठ के उल्टिया नहीं आते, वो नहीं, सबको इलाज करने नहीं आता, निकाल रहा हूँ उसके अंदर से मार के पूरा बाहर। जल्दी जाके बड़ी थैली आती हो, नहीं है बड़ी थैली, पटाई दे तो यहाँ गिरेगा नीचे, खाली है, फटी हुई डाल दो थैली उसके अंदर। और क्या करना है, छोटा नंबर बोल, कौन सा पेन दे, टेंशन नहीं आता, क्या लास्ट 3550 नहीं सुना से पर क्या नकार दो से नहीं। वो फोटो मैं तुम आप सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, तो बाद में तुरंत करते हैं, वो तो मेरे पास फोटो ठहरे हुए, जो जो अरे रिकॉर्डिंग में चल रहा हूं, तुम्हें कहा 10-15 मिनट भेजते क्या? हां ये रिकॉर्डिंग खत्म होने को, ये क्या रिंग में कब आने का था डॉक्टर साहब? तभी कैमरा हमारे इधर कौन है, तुम इनके साथ में वाले फिर उस कैमरे तरफ देख के बोलो दुनिया देखी, तुम अगोर से कितने साल से परेशान थे, वो खाली उल्टी आती थी, उल्टी नहीं होती थी क्या? जोर से बोलो, सुने जाना कैमरे में, क्या होता था उनको, तू बोल रहा जोर से, तो क्या होती थी, उल्टी आने करती थी और सीने होती थी, नहीं होती थी। अभी क्या हो रहा है, तुम्हारा बिस्तरी का पानी है ना, तुम्हारा बिस्तरी, दुनिया को बताओ, दुनिया को क्या हो रही है दास्तान, बिस्तरी तुमने तो लाए बाहर से, बिस्तरी का पानी पिलाए, अल्लाह कलाम की ताकत इसी खाली मैंने पढ़ के फूक के जाए, उल्टिया होना चालू हो रहे, पहले खाली उल्टे आते थे उनको, क्या ऐसा रहता, जबकि साइंस बोलता कि फिल्टर पानी पिलाने से उल्टियां बंद हो जाते, और ये खुदा की कुदरत देखो कि अगर किसी खिला वाला रहा तो फिल्टर पानी पे भी दम करके पिलाए तो वोमिटिंग चालू हो जाती, और पहले हुलके आते थे बच्ची को, वोमिटिंग नहीं होती थी, उल्टियां वगैरह क्या होता था, बच्चे से कुछ वो बोलता साथ में, कौन है वो, बहन, जोर से बोलो सुने, उल्टी नहीं आती थी, सिर्फ उल्टी आती थी, सिर्फ उल्टी नहीं होती थी, अब निकालो उसके पेट में से और धोके पानी पिलाओ, जितना तुम ज्यादा पानी दम कर करके पिलेंगे उतना ज्यादा निकलेगा होगा, जलाओ उसके पेट में से और आग लगा के तेजी से बाहर खींचो उसकी सारी बीमारी। हाँ निकालो, खींचो उसके पेट में से पूरा बाहर खींचो, पूरा बाहर खींचो, खींचो उसके पेट में से पूरी दवा बाहर खींचो, जरी अंदर बाकी नहीं रहना, चलाओ चलाओ लगाओ आग उसके पेट में तेज से, पिलाओ पानी दम करके जितना पिलेंगे उतने निकलता हो बाहर, धोके निकलता पूरा बाहर, अपनी बाटल अपने हाथ में पकड़ के रखना और डालो
सुनार की दुकान से लाए क्या पानी? खिंचो उसके पेट में की सारी दवा को चला के बाहर खींचो तेजी से। खिंचो उसके पेट में की सारी दवा खींचो बाहर तेजी से। खींचो और खींचो उसके पेट में की सारी दवा खींचो जरी उसके पेट में बाकी नहीं रहना। जकड़ो अंदर से, हाँ जकड़ के खींचो बाहर पूरी। खींचो उसको और तेजी से, पिलाओ उसको और फिल्टर पानी। निकालो उसके पेट में से और खींच के निकालो तेजी से बाहर। ये ऐसा गलत है, ऐसा एक दूसरे के बच्चों पे जादू टोने कर रहे, शादियों में खिला दे रहे, बारात में तुम क्या सोच के खिला रहे, ऐसा क्या दुश्मनियां निकाल रहे? इतनी दुश्मनी है तो तुम एक दूसरे के वास्ते क्या बोलना, सब बोलने का अल्फाजा नहीं है, मगर ऐसा नहीं करना, किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना। उनसे भी क्या लेना देना के नहीं, क्या रिश्तेदार हैं क्या, सगे के कुछ है, मगर एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे लोगों को, ये गलत है। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। कल को अल्लाह तुम्हारे औलादों को आजाब में घेरा तो फिर तुम क्या करेंगे? जहाँ दवा और दुआ दोनों काम नहीं करते वहाँ अल्लाह का आजाब रहता। कैसा आजाब दुनिया में घेरा अल्लाह ने, आजाब को मजाक मिली तो फिर आजाब पे आजाब डबल भेजा। देखो समझ में आता तुम्हारा? इस वास्ते कभी किसी का बुरा मत करो, तुम दूसरों का बुरा चीतेंगे तो तुम्हारा भी बुरा होता। तुम क्या ऐसे समझ के बुरा कर रहे, तुम आसमान से उतरे दूसरों का बुरा करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, तुमको भी मार पड़ती, तुमको भी अल्लाह अजाब में घेरता। दूसरों के वास्ते खड्डा खोदने वाला खुद खड्डे में गिरता। ऐसा गलत है ना ये दास्ताना करना, ये हरकत, एक दूसरे को खिला दे रहे दवाइयां, दूसरों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे, बीमारियां लगा के मार दे रहे, बहुत गलत बात है ये। बोलते कि अल्लाह के हुक्म के अलावा पत्ता नहीं हलता, हाँ बेशक नहीं हलता, अल्लाह ने मौत से पहले भी दो मौत रखे ले, एक मौत है राय फी सबीलिल्लाह, जो शहीद होगा उसकी मौत पे बहुत खुश होता अल्लाह, और उसको मुर्दा मत बोलो बोले अल्लाह सूरह अली इमरान के अंदर, और दूसरी एक मौत रखे ली हराम मौत, उसके करीब मत जाओ बोला अल्लाह ने, वो भी तो मौत ही से, दोनों भी मौत चॉइस करके लेने वाली मौत है। एक मौत राय फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में शहीद हो जाओ, शहीद हो गए बहुत पसंद करता अल्लाह शहीद को, और मुर्दा मत बोलो बोले अल्लाह जिंदा है शहीद, और उसका रिक्स हम उसको देते बरोबर वो चौथे आसमान पे सूरह अली इमरान के अंदर। और दूसरा अल्लाह ने बोले अल्लाह कि हराम मौत के करीब मत जाओ, हराम मौत के करीब जाएंगे तो वो क्या बोलते, तो यहाँ सोसाइटी के करीब जाएंगे तो वो हराम मौत है, सोसाइटी के करीब मत जाओ अल्लाह ने फरमाया। तुम कैसा नहीं मानते, बातें कर रहे कि हम मानते नहीं मौत देना अल्लाह के हाथ में, बेशक अल्लाह के हाथ में, मगर अल्लाह ने दो बातें पहले बता भी दिया ना तुम्हारा, तुम एक दूसरों को जादू टोने करके हराम मौत मारेंगे तो वो हराम मौत तुम्हारे सिर पे जारी, उसको फिर दूसरा दर्जा दे देता अल्लाह। बड़ा बहुत सारे बातें हैं, मैं तुमको खाली इतना ही बोलूंगा कि नहीं करना एक दूसरों पे, और कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, इबादत को मजबूती से थामो, तो तुम्हारा कोई भी ऐसा बाल बाका नहीं करेगा दुनिया के अंदर। तुम नमाजा नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, बड़े सीरियल आ देखेंगे, टीवी आ देखेंगे, तो क्या है वो सीरियल देखने से क्या फायदा है? ना तुम्हारे दीन का फायदा, ना तुम्हारे दुनिया का फायदा है, ना आखिरत का फायदा है। फिर वो देख के मतलब क्या रहा? तुम देखे भी तो ऐसा देखो जिससे तुम्हारे दुनिया का फायदा है आखिरत का फायदा है, वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की कुरान, नमाज, इबादत, ये करो दादी दादी, जैसे जादू टोने तुम्हारे पे चल नहीं सकते। कोई अगर तुम्हारे को खिला दिया, मैं मेरे तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे को कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि किसी ने प्रैक्टिकल देखा था नहीं ना, बातें करने वाले बहुत बड़े आले, इलाज करने सबको नहीं आता, प्रैक्टिकल में उन्होंने जो देखा दुनिया का आलम तो वो बता रहा हूँ तुम्हारे को सारे दास्तान में। इस वास्ते नहीं करना, तुम जो भी करेंगे जैसा करेंगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा दुनिया में, क्योंकि तुम्हारे को तो बद्दुआ तो लगेंगी, आह तो निकलेंगी, वो तो आसमान तक जाएंगी, जो फिर अल्लाह तो कबूल करने वाला। एक बात याद रखो, जमीन और आसमान के बीच में, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जमीन और आसमान के बीच में दुआ को रोक दिया जाता, उसको जाने नहीं देते आसमान पे अर्श के पास, अल्लाह के पास में अर्श पे, जमीन और आसमान के बीच में दुआ को रोक दिया जाता, जब तक उसके साथ दरूद शरीफ नहीं है उसको अर्श पे नहीं जान देते। और बद्दुआ एक ऐसी चीज है वाहिद जो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, डायरेक्ट उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सब बहुत सारे बातें हैं, इन पे तुम सोचो, दूसरों का नहीं, खुद के बच्चों के बाल बच्चों के बारे में सोचो। तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे बाल बच्चों को भी अल्लाह अज़ाब में घेर लेता, ऐसा नहीं करना, ये हरकत बहुत बुरी बात है। अल्लाह ने जब तो फिर कुरान में फरमाया ना कि जादू टोने के करीब मत जाओ, वो बहुत खराब चीज़ है, जादूगर के पास जाने वाला भी क्या बोलते थे उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शिफात नहीं करूंगा, जादूगर के पास जाना इतना बड़ा गुनाह है कि जादूगर की भी शिफात नहीं करूंगा और उसके पास जाने वाले की भी शिफात नहीं करूंगा, दोनों भी हम में से नहीं है, बोल दिया मैं।
वो तो गलत बात है, इबादत के रस्सियों को मजबूती से थामो, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत ज्यादा करो तो तुम सब महफूज रहेंगे। और हाँ, तुम जादू टोना चलने के बाद इबादत करेंगे, ये मेरा चैलेंज है, तुम जादू टोना चलने के बाद इबादत करो तो शैताना भूता तुमको इबादत करने नहीं देते, जन्नत का शैतान बदरुए तुमको अब इबादत के करीब नहीं जान देते। फिर वो जादू टोना चलने के बाद तुम बोलेंगे अब चल गया, अब मैं हटने जाऊंगा, तो फिर बहुत मुश्किल है, वो तुमको इबादत से रोकते, क्योंकि उनको मार पड़ती बोलकर। तुम अगर पहले से इबादत करते कंटिन्यू में तो तुम्हारे पे कोई जादू टोना चला नहीं सकता, और चल भी गा तो फौरी उतार देते तुम्हारे ऊपर का जादू टोना, क्योंकि तुम्हारी इबादत की बरकत से, कुरान अल्लाह की हदीसें सब पढ़ने की बरकत से। तो सारी बातें हैं, क्या बोलूँ मैं बोलने को, तुम लोग खुद बहुत बड़े बड़े अपने आप को मौलवियाँ खारियाँ मुफ्तियाँ समझ रहे, खुद ही तुम फतवे दे रहे, खुद के कुछ फतवे दे रहे, मैं क्या बोलूँ, बोलने के अल्फाज नहीं है। खींचो उसके पेट में की सारी दवा, लगाओ उसके अंदर तेजी से आग। नहीं भेज सकते तुम, कहीं को भेज देखे तबियत आलम क्या है, तुम पहले उनकी तबियत सुधारो, उसके बाद एक महीने के बाद भेजो उनको, तो उनको ससुराल में देखो बोलना क्या हुआ आलम, सामने फिल्टर पानी पिला के निकाल रहे बोलना, साइंस ये बात बोलता कि फिल्टर पानी वोमिटिंग होने लगी तो पिलाओ, बंद हो जाती वोमिटिंग, और यहाँ कलाम की लाई की ताकत ऐसी पड़ गई, भूखे तो दवा किसके बाहर फेंकते हो, चल रहे निकल बाहर तेजी से। बीमारी पे डाल के मारने के वास्ते कर दे, बोरा ना मैं अभी मारने वाला था, कब मारने वाला था, क्या मारू, पकड़ो उसको और तेजी से अंदर से। शादी भी 2 महीने से होगा शादी, अब वो नाम तो यहाँ खुलने वाला है, कौन डाला था, तो उसका तो नाम खुल के जाता था नेट पे, मगर वहां देख के बोलो कि तुम्हारे मर्जी से ये वीडियो बनना, तुम्हारे मर्जी से नेट पे जा रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, समझ में आया, उनको भी मालूम पड़ने वाला ना कि क्यों कर दिया, अभी जितना भी रिकॉर्डिंग चल रही है ऑटोमेटिक नेट पे जाएगी, मर्जी है तुम्हारी, उसमें उधर देख के बोलो तुम्हारे मर्जी से जा रहा हो, ठीक है ना, हमारी मर्जी से जा रहा, खींचो उसके पेट में से और तेजी से। देखो ना तुम देखे नहीं सामने क्या चल रहा तमाशा, तो कपड़े तक रोक रहे जा, और जिसने डाला था क्या क्या करा था सब आगे मेरे को दूसरे चक्कर में सुनाना, चल पिलाओ सुन, देखा ना कैसी मार पड़ती है, तो ये अल्लाह का कलाम है ये, पिलाओ पूरा कट करके निकला उसको, निकला उसके पेट में जाओ आंख लगाओ, अबे के शरबत पिला रहा क्या है भाई, जल्दी निकला उसको, हाँ चल अब जान आ रही, दूसरे चक्कर में सबके नाम सुना, इससे ज्यादा मार में लगाऊंगा दूसरे चक्कर में, लड़ा लड़ा के बोल रही है, समझ गया ना, बोल रही मैं आप भी बोल रही, हाँ कौन है तू, आखिर बोल है क्या, मैंने सिख लाओ कौन है, कहाँ से खिलाई थी बच्ची को, बोल सही सही, औरत आदमी है तू, कौन है, हाँ हाँ कौन है, अरे फिर गुस्सा आ रहा मेरे को, मार लगाऊंगा और तेजी से, हाँ बोल, हाँ ये चूड़िया इस वास्ते पहन के नहीं आना बोलता हूँ, ये चूड़िया पहन के आएंगे, बालियां पहन के आएंगे तो तुम्हारे छाता कटते, तुम्हारा नुकसान होता, शैतान आंग में आता, इधर मार पे कैमरा,
शैतान आंग में आता तो ये सब ये तोड़ देता, फोड़ देता, हाथा फट जाते उससे खुद को। इस वास्ते इस चीज का पेन भी नहीं आना। हाँ हाँ बोल रहे नाला जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जल्दी ये लगाओ, ऊपर नहीं लगाओ, जल्दी खींचो उसकी दवा बाहर, खींचो पूरी पूरी बाहर। चल हाँ बोल मेरे को। हाँ हाँ मेरी शादी में होने रहते। अच्छा ये बच्ची का क्या नाम है? रुकैया। और रुकैया की शादी में रहते? हाँ फिर उसके बाद वो उसकी बेटी को बिठा रहे थे इसकी जगह पे। अच्छा किसकी बेटी को बिठा रहे थे? इसकी बहन की बेटी को। क्या नाम है उसका? नाहिद। हाँ क्या नाम है? क्या बोला? उसके मुंह से सुनी है शैतान क्या बोल रहे। क्या नाम है? क्या पूछा मैं? कौन बैठ रही थी उसकी जगह? क्या मसला था? सही सही बोल। इसकी बहन नहीं करेगी। क्या नाम है उसका? उसकी बहन कब करेंगी? सगी बहन बहन की बेटी कब करेंगी? हाँ वो दुश्मनी है इसकी। वो तो बेचारी नमाज पढ़ने वाली औरत है, बोलते हो बोल नहीं हंस करके ही बोलते हो नहीं हज को जाने तैयार है? चल रही नहीं पांच टाइम की नमाज पढ़ती करते हो? बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। वो बहुत नेक बखत है बोलते हो औरत। वो हराम कर है वो। क्या करी उन्होंने? उसके हस्बैंड को उसने उसकी बेटी से ने शादी करा दे रही थी वो। कई की बात वजह? पहले उसको रिश्ता गया था इसका। फिर नहीं बोल दी उन्होंने। फिर इसको आया रिश्ता। तो फिर इतने इन्होंने हाँ बोल दिए। तो वो बोली बहुत अच्छा है करके अब इसका रिश्ता मैं तोड़ देती हूँ, मेरी बेटी से करा देती बोले। तो वो कामयाब नहीं हुई वो चाल में। रिश्ता तोड़ने के बच्ची का क्या लेके थी जादू करने को? पूरे कपड़ों में। इसका क्या नाम है? रुकैया का क्या लेके थे जादू करने को? पूरे कपड़ों में कर दी थी शादी के। अच्छा शादी के ड्रेस पे करे? पूरे कपड़ों में कर दी थी। पूरे कपड़े जिसे दिए था तो वो पूरों में करके डाल दी थी इसने। और वो पहन तो जाती तो वैसी वैसे उसकी तबियत खराब होती। फिर बच्ची को कहीं में मिला खिलाए थे रुकैया को? बिरयानी में। कौन सी बिरयानी थी वो? बिरयानी में को कई की बिरयानी? चिकन की मटन की कई की? क्या पूछा मैं? जल्दी जवाब। चिकन की बिरयानी में खिलाए थे। अच्छा कब खिलाई थी? कौन से मौके पर? मौका क्या था? खाला क्या गई थी? बड़े खाला क्या? अच्छा, जब धोखा करी? बड़ी खाला भी मिली है क्या? नहीं नहीं वो। फिर उसकी आईने में कैसा था वो मिली जाके? वो उसके उसने जादू से मिला दी थी। सही बोल, झूठ नहीं जमता यहाँ। और मारने लगूंगा लगाऊ और मारने। हाँ चल बोल सही सही बोल। हाँ कौन कौन मिले आला? और कौन मिले आला है? कोई भी नहीं है। अच्छा बच्ची की ससुराल की तरफ से कोई करेगा बच्ची पे जादू? नहीं बहुत अच्छे वो तो बहुत अच्छे। अच्छा और दूसरी बात क्या बोलते तो बच्ची को शादी की तरफ मरा? अच्छा मारने वाले कब है जान से उसको? खत्म कब करने वाले थे? ये पूनम को थे। ये पूनम अभी आ रही तो आ गई थी वो। अच्छा कैसा मारो बोले? अटैक आ जा रहा था उसको। अच्छा अटैक पे डाल के मार रहे थे? अटैक आना बोल के। और क्या बीमारियां डाले अंदर से? पेट में गोला है इसके। गोला कह का है वो? दवा का है क्या? कितने साल से उसके पेट में गोला? अभी बताए तो बताए काट वो ये दवा ली बंदी काट। हाँ और क्या क्या पूछाने का? और कोई डॉक्टर उसके अलावा बोलो ना क्या दवा?
हिंदू गणेश लाए थे, मुसलमान गणेश लाए थे, हिंदू गणेश लाए थे, कितने पैसे दे के लाए थे उसको? कितने दिए थे? 1,50,000, 60,000 नहीं दिए थे, 40,50 नहीं, 20,000 हाँ, आप कैसे मालूम? झूठे बात कर रहा हूँ मैं, आला जवान काट दूंगा अभी यहाँ। और क्या पूछाने का है? जादूगर कौन से गाँव का है वो? दारवे का है वो। अच्छा, नाम मालूम क्या उसका? बोल जल्दी, क्या नाम है? नहीं मालूम। अच्छा एक बात ये बोल, वो हिंदू का है मुसलमान का है? हिंदू का है। मसन वाटे की दवा दिया क्या? अच्छा, ये बच्ची के घर में और इसके माँ बहनों को भाइयों को क्या करे और? और घर में क्या क्या करे? सबके दिलों में एक दूसरे के लिए पूरा खत्म कर दे रहे मोहब्बत। अच्छा, लगन दे रहे नहीं। और कमाई धमाई रिश्ते नहीं लगना के डाल रहे हो? कौन से मियाँ, किसके मियाँ रुखैया की? रुखैया का शोर, इसको लड़ना झगड़ना दोनों मिलके एक दूसरे को बोल के कर रहे हैं? उसके माँ के, रुखैया के? हाँ, तुम्हारे अब्बा लड़ रहे क्या अम्मा को? फिर बुरा नशा था, जादू को करके लड़ा रहे। अच्छा, उसके साथ में और कौन कौन मिले वाला है? कोई भी नहीं, वो तो औरत बहुत नेक बखत है बिचारी, बोलते नमाज पढ़ने आई थी। तू नाम ले रहा? नहीं, नमाज पढ़ती बोलते, कुरान पढ़ती करते, नेक बखत है करते बहुत। काला जादू करती हो? अच्छा, और किस किस को करी उन्होंने? मोहल्ले को करी क्या? ये छोकरे को भी करी? उसको भी करी? उसको क्या ले गई थी जादू करते टाइम पे? उसका क्या लिए थे? यो हाथ भी लाई थी उसको यहाँ। अच्छा, उसके बाल ले गए थे क्या? कपड़ा दुपट्टा ले गए थे उसका? कौन से कलर का था दुपट्टा? दुपट्टा गया था क्या? कौन से कलर का गया था वो? वो नहीं मालूम मेरे को। कैसा नहीं मालूम तेरे को? नाला लोग मारना जाना लेना मालूम तेरे को? हड़ा डाल के हड़ ला रहा था रे, बाप का राज चल रहा। आई मजा हड़ा ला के मारा? कितने लोगों को मारा अभी तक? सही सही बोल, कितनों को मारा? सही सही बोल। इसका कितना नंबर था अभी तक? पहला। इसके बाद किसको मारने वाला था इसके घर में से? इसके माँ को, उसकी बहन को, बच्ची के क्या नाम है छोकरी? इशरत को मारने वाले थे। उसके बाद इशरत को कैसे मारने वाले थे? कैसा मारने वाले थे? सीने में दर्द करके हाड़ी ला के उसको भी दर्द हो रहा था। कल जब आपने पढ़े ना, वो दर्द है बहुत तकलीफ है, एक साइड में पूरा ये। तो यहाँ आते टाइम भी तुम्हारे रास्ते में दर्द हो रहा था बच्ची? रुकावट है वो, तारे परमिशन नहीं मिली थी ये। जोर से बोलो, तुम्हारी पूरी दुनिया देख रही है। परमिशन नहीं मिली थी ये, वो आरटीओ जा रहे इधर उधर जा रहे, तो फिर भी नहीं हो रहा था। फिर हिम्मतों करके कैसे भी आज लड़ लो पुलिस। ओ, तबीयत किसकी खराब हुई थी रास्ते में? फोन नहीं, रास्ते में नहीं थी, घर पर हुई थी। नहीं आना बोल के इधर रास्ते में। अरे वो बच्ची की अचानक तबीयत क्यों खराब हो गई थी? इधर निकल रहे थे वो लोग तो। क्या तू कर रहा था नहीं आना बोल के इधर? सही बोल, सही बोल, झूठ बात नहीं जमती है। सही बोल, मैं बहुत बड़ा मारने लगूंगा। हाँ, गुस्सा नहीं आना मेरे, जल्दी बोल, लगू मारने। और अच्छा, उसके माँ को, उसके बाप को गाय में की मिला खिलाए बच्ची के? घर में भाइयों को कुछ जकड़ लो उसको अंदर से, और फिर जकड़ कर उसको मार दे रहा उसको नारा को। क्या तमाशा है ये? मारो जाना ले रहा हूँ मैं लोगों के, जिनके लेने के उनके लेना रह जाके, जो दुनिया में जुलूम कर रहे जालिमों के लिए, मजलूम लोगों पे, बेगुनाहों को मार रहा। और क्या पूछाने का है? कल भी कुछ झगड़े हुए थे। कल घर में झगड़े कई को रहे थे इनके इतने? वो जिधर नहीं आना बोल के करा रहा था सब गेम, पहले झगड़े लगाया आऊंगा, बाद में तुम वो बहुत ज्यादा हो गए। फिर क्या करा उसके छाती में दर्द उठा दिया? तीनों के भी तबीयत
खराब हो गई थी, अब्बा की भी हो गई थी, इनकी भी दांत थी और इनके सीमेंट पर। अच्छा इनके अब्बा को और बच्ची को कहीं मिला खिला में सही से बोलने का, और मारना चालू करूंगा ठीक। बनाने बाद में मैं जुलूम दे रहा था, मैं किसी को जुलूम नहीं देता, अल्लाह का कलाम जुलूम देने वालों को मिटाता, जालिमों को। चल सही सही बोल। हाँ फोन उठाए तो इशरत के पे इसमें दर्द, सही बोल। और कहीं में मिला खिलाला उसके बाप को बहन को, सही बोल। झपड़ो जरा उसको जाने का सब देता भी अभी इजाजत दिया तिक मन जाने की भागने को देख रहा। चल बोल जल्दी बोल, इशरत को कभी मिला खिलाए, इशरत के अब्बा को कभी मिला खिलाए। हाँ कब खिलाई थी उन्होंने? हाँ लगाऊ और बुलाऊ जंजीरों से मारने वालों को बुलाऊ? गुस्सा नहीं आ रहा देख, मैं बहुत लड़ा के मारने लगाऊ पुलिस से। बोल क्या के बीच में बहुत होती है। कुछ राज छुपा रखे मेरे से, कुछ और राज है क्या? है हाँ बोल फिर बोल। पंखा बंद कर दे रहे हो, रिकॉर्डिंग ले रहे, पंखे बंद करना रे। क्या क्या नाम है बच्ची का? रुखैया के दूल्हे को कहीं में मिला के खिलाई थी उन्होंने, कभी खिलाई क्या रुखैया के दूल्हे को? झगड़ा करना बोल के उससे, हाँ दोनों मियाँ भी लड़ना बोल के रुखैया को खिलाए क्या? उसके शोहर को भी खिलाए? और इसको इशरत को कौन करे? क्या पूछा, हिंदू से जाए तो करी उसमें मुसलमान से करी? अबे नाला इतना टाइम नहीं मेरे पास, बहुत बुरा मारने लगूंगा, जल्दी बोल। लगाऊ मारना चालू करूं? क्या हो रहा आ गया इधर? चलो पंडिंग कर लेके बैठो, चलो उसको इधर से क्या करो नाला है, उसको बाद में लेंगे मार के, जब तक दूसरे पेशेंट को वो पंडिंग से छोड़ते नहीं, पकड़ो उसको हाथ में। डॉक्टर साहब बंदे को निकाल दो क्या फांसी का बंदा पंडिंग लगावन, जिसकी भी दुआ पढ़ना हो उसको पानी पिला दो। इनकी वीडियो मत बनाना, तुम नहीं पहचान जाते खादामा बैठे नीचे। हां सर वीडियो मत बनाना और रिश्ता हो जाना। हाँ निकालो खींचो उसके पेट में सारी दवा, खींचो इसकी भी दवा, फिर खींच लो भाई। खींचो उसके पेट में, जला के अंदर से आग लगा दो उसके पेट में। हाँ खींचो बाहर खींचो थोड़ा उठा, उल्टी करने वाले कंटिन्यू करते रहो, रोक रहे मुंह को कपड़ा लगा रहे तो गलत ना हो, पानी पिलाओ जल्दी जल्दी, पानी पिलाओ तो ज्यादा निकलता हो। लाओ लाओ बॉटल लाओ, पहले तो ला के रखने का ना जी, दो चार बॉटल।
नदी महिमा नाम है। अच्छा कहाँ से आए आप लोग? अमरावती। अच्छा ठीक है, अभी देखे ना क्या हुआ यहाँ लाइव में। तो पानी तुमने बाहर से लाए थे मेरे पास का था वो? बाहर हुए उल्टे निकले, इससे पहले निकलता था क्या? मुका निकालो नहीं निकलता। चलो खैर जो भी है तो निकला ना अल्लाह करम से, जितना भी निकला जो भी निकला तुमने सब लाइव देखे। अब ये सब पूरा नेट पे जाएगा यूट्यूब के ऊपर, है तुम्हारी इजाजत डालने की यूट्यूब पे? बोलो जोर से बोलो। डाल लो ठीक। ये कौन है?